फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ लौकी की सब्जी। हमने कुकर चलाया है, कुकर में 2 चम्मच तेल डालेंगे, तेज पत्ता डाल देंगे, मिर्ची डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, ये अदरक लहसुन और प्याज हमने चूर के रखा है ये डाल देंगे, इसे लाल होने देंगे, ये अच्छे से लाल हो चुका है। अब हम इसमें सूखा मसाला डाल देते हैं, एक टीस्पून हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर मिला लें, सलो ताव में मिलाएं नहीं तो ये जल सकता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 से अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, इसे भी मिला लें अच्छे से। टमाटर गलने तक पकाएं। ये टमाटर गल चुका है, देखिए तेल हमारा छोड़ चुका है मसाला ने। अब इसमें हम चना डाल देंगे, जिसे हम चना दाल भिगो के रखे थे हम 3 घंटा पहले ही बनाने से, जिसे जल्दी गल जाता है दाल। अब इसे भी साफ चला ले, फ्राई कर ले थोड़ी देर तक। अब हम इसमें धनिया पाउडर पत्ता डाल दें, हरा धनिया डाल देंगे, अब हम इसमें लौकी डाल के अच्छे से मिला दे रहे हैं। अब इसमें सब्जी मसाला डाल देंगे 1 चम्मच, इसे भी अच्छे से मिला ले। इसमें पानी अपने अनुसार लें, जितना सब्जी है उसे थोड़ा ज़्यादा पानी डालें और 5-20 सलाने तक कुकर लगा के 5-20 सलाने दें। कुकर लगा के 5-20 सलाने दें। देखिए हमारे कुकर में 5-20 सला चुका है। अब हम गैस बंद कर दे रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और ये सब्जी इजीली बन जाती है और जल्दी से झटपट 5-10 मिनट में रेडी हो जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गैस बंद कर दें। देखिए कि हमारी सब्जी कितनी सुंदर लग रही है देखने में और इजीली बन भी जाती है।